क्या कॉजेज होते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे बचा जा सकता है किसी तरह के प्रिकॉशंस लेकर, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर, असल में ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ये भी आपसे समझेंगे। देखिए, ऐसे बताना कि इससे बिल्कुल बचा जा सकता है, टोटली इसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी बार इसके कॉजेस जेनेटिक होते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जिसमें कहा जाता है कि जो आपका मासिक धर्म का ब्लड होता है या पीरियड्स का ब्लड होता है, वो ही आपकी ट्यूब्स के थ्रू बाकी के बॉडी में फैल जाता है, और जहां जहां पे भी वो इम्प्लांट होता है वहां पे हर महीने थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग इकट्ठी होती जाती है, जो एंडोमेट्रोसिस या एंडोमेट्रोमा का फॉर्म ले लेती है। तो इसको 100% प्रिवेंट कर पाना मुश्किल नहीं है, बट हाँ, अगर ये टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो हम इसके सिम्टम्स को थोड़े सा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा बाकी के डॉक्टर्स ने भी बताया कि इसको डायग्नोज कर पाने का कोई 100% तरीका क्लिनिकल नहीं है, मतलब आपको लैप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, बट आप हर पेशेंट की लैप्रोस्कोपी नहीं कर सकते। तो अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है आपका, वो है आपका गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन गायनेकोलॉजिस्ट को एक्सपीरियंस रहता है कि किस कौन सा जो पेन है वो पीरियड्स का पेन है और कौन सा पेन आपका एंडोमेट्रोसिस का पेन हो सकता है। जी अनम्यूट कर लीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। हेलो, अभी आप सुन जी सकते हैं जी जी मुझे? जी जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करेंगे तो हम इसको जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा इस स्टेज तक ना पहुंच जाए कि हमें सर्जरी करनी पड़े।